नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती में दोस्तों अब ज्यादा समय बचा नहीं है। लगभग दोस्तों अंतिम 10 दिन से भी कम समय अब आपके लिए बचा हुआ है दोस्तों, क्योंकि 2 दिन तो आपके दोस्तों आने जाने में खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसे तैयारी करनी है अंतिम 10 दिन की, क्या रणनीति होनी चाहिए दोस्तों, और आपके एडमिट कार्ड दोस्तों कब आएंगे, कैसे आपको एडमिट कार्ड देखने हैं, इसी के साथ दोस्तों कितने गुना स्टूडेंट पास होंगे, 45 प्लस नंबर पर भी आपका प्री पास हो जाएगा, सेफ स्कोर, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों अंतिम 10 दिन, जो 10 दिन है दोस्तों उसमें आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सभी टॉपिक को या सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ सके थ्योरी, क्योंकि दोस्तों अब थ्योरी पढ़ने का समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आपको अंतिम दोस्तों 70,000 में शामिल होना है, क्योंकि प्री में 70,000 से ऊपर स्टूडेंट पास होंगे। तो आपको किस प्रकार तैयारी करनी है दोस्तों, आपको जो मेन मेन सब्जेक्ट है जहाँ से आप अपने नंबर खींच सकते हो, और आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, उन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है जिनको ज्यादा पढ़ना पड़े और क्वेश्चन उनमें से 2 या 3 ही आपको देखने को मिले, तो उन पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। मैं आपको मेन चीज बता देता हूँ किस चीज पर फोकस करना है। मेन आपको एक तो गणित पे दोस्तों फोकस करना है, 17 क्वेश्चन गणित के आएंगे। राजस्थान ज्योग्राफी को फोकस करना है दोस्तों, इस पर 18 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान की कला संस्कृति को फोकस करना है दोस्तों, इसके 17 क्वेश्चन आएंगे। और आपके हिंदी, कंप्यूटर और अंग्रेजी में 10-10 क्वेश्चन आएंगे। तो इनको भी आप दोस्तों इनके मॉडल पेपर या फिर दोस्तों आप कंप्यूटर की सीरीज ले सकते हैं, इनको दोस्तों इनसे तैयारी करें, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हालांकि मैं भी लाइव क्लास चलाता हूँ दोस्तों, मैंने कंप्यूटर की लाइव क्लास डाली है, आप उसको देख सकते हैं, हिंदी की भी डली हुई है दोस्तों। रीजनिंग के 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब फोकस किस पर नहीं करना है दोस्तों, देखिए भारत और विश्व की जो भूगोल व इतिहास में से दोस्तों आपको क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 11 क्वेश्चन आएंगे। तो इसको जो है 11 क्वेश्चन के लिए आपको सबको पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इन पर ज्यादा फोकस ना करें, आपको जो मेन मेन चीजें हैं दोस्तों वो मैंने आपको बता दी है। एक आपको राजस्थान के संविधान, अर्थव्यवस्था व राज्य व्यवस्था पर देखना है दोस्तों, जो संविधान है उस टॉपिक को देखना है, क्योंकि इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत व विश्व की करंट में से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको आप भले ही मत करना दोस्तों, क्योंकि करंट के क्वेश्चन दोस्तों कहीं से भी आ सकते हैं। ये तो दोस्तों अगर आपका तुक्का लग जाए तो इसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी क्लियर नहीं है दोस्तों। एक बार आप पेपर के निर्देश जरूर पढ़ लेना, वरना दोस्तों जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार मेन एग्जाम में आपकी 1/3 की नेगेटिव रहेगी, प्री मेन नेगेटिव को हटा दिया गया है, ऐसा यहाँ पर अपडेट आ रही है, फिर भी आप एक बार पेपर समय देख लेना दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों अंतिम 10 दिन की रणनीति, आपको इनके मॉडल पेपर सीरीज आपको अभी से दोस्तों पढ़ना स्टार्ट कर देना दोस्तों। और अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि आपके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। तो प्रदेश के 26 जिलों में परीक्षा होगी दोस्तों, 14,92,000 स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं। तो दोस्तों एडमिट कार्ड आपके लगभग 20 दिसंबर को जारी होंगे। जी हाँ दोस्तों, 20 दिसंबर या 19 दिसंबर को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ज्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले RSMSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाना है। जैसे ही आप चले जाओगे दोस्तों उसको सर्च कर लो गूगल पे, पहली वेबसाइट ओपन कर लेना, इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देना है। रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको विलेज डिप्लोमेट ऑफिसर की जो भर्ती है दोस्तों उसका ऊपर ही लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपकी पोस्ट की संख्या, अगर आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट वीडियो, यानी कि यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। नेगेटिव जो मार्किंग है दोस्तों उसकी कोई भी जानकारी नहीं दे रखी है, फिर भी आप एक बार पेपर के निर्देश जरूर पढ़ लेना दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर गेट एडमिट कार्ड की लिंक आ चुकी है, हालांकि अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, लिंक एक्टिवेट हो जाती है तो दोस्तों इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। प्री एग्जाम एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इसमें कैप्चा भर देना है, एडमिट कार्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लगभग दोस्तों 70 से 80 हजार स्टूडेंट पास होंगे प्री में दोस्तों। तो अभी से दोस्तों अंतिम 10 दिन में आपको जो है जोरदार तैयारी करनी है दोस्तों। और राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने दोस्तों पटवारी में नॉमिनेशन किया है, तो इसमें भी नॉमिनेशन होगा और नॉमिनेशन का फायदा भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका पेपर टफ आता है तो आपको दोस्तों इसका फायदा भी होगा। तो वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती की पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।